टेम्पटेशन आइलैंड में बोल्ड कंटेंट या यूं कहें कि अश्लीलता के अलावा कुछ अगर देखने को मिलेगा तो वो है एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान की होस्टिंग। फुकरा इंसान वाले दोनों एपिसोड तो हमें देखने को मिल गए हैं, जिसमें फुकरा इंसान ने बॉयज विला में जाकर इस शो का पहला टास्क करवाया था। अब फैंस को काफ़ी बेसब्री से इंतजार है एल्विश यादव वाले एपिसोड्स का। तो सभी यही जानना चाहते हैं कि एल्विश वाले एपिसोड हम लोगों को कब देखने को मिलेंगे, तो मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो जो लोग एल्विश यादव के व्लॉग्स देखते होंगे उनको तो पता ही होगा कि एल्विश इस शो की शूटिंग कर चुके हैं, और जिनको नहीं पता मैं उनको इस वीडियो में बता दूं कि एल्विश यादव के जो एपिसोड्स आने वाले हैं टेम्पटेशन आइलैंड के, उसकी शूटिंग वो कर चुके हैं। एपिसोड नंबर 7 या 8 में एल्विश हमें टेम्पटेशन आइलैंड में दिख सकते हैं, जो कि फुकरा इंसान वाले एपिसोड हम देख चुके हैं। फुकरा इंसान के बाद अब घर में एंट्री होगी एल्विश यादव की। एल्विश सबसे पहले गर्ल्स विला में जाएंगे और सभी गर्ल्स से अलग अलग बात करके उनका रिलेशनशिप स्टेटस जानने की कोशिश करेंगे। फिर एल्विश बॉयज़ विला में जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2 एपिसोड में एल्विश हमें अकेले होस्टिंग करते हुए दिखाई देंगे, फिर आगे के एपिसोड में फुकरा इंसान और एल्विश यादव दोनों हमें साथ में होस्टिंग करते नजर आएंगे। एक और अच्छी बात यह है कि एल्विश यादव के इन एपिसोड के बाद हमें एल्विश के व्लॉग चैनल पर इसका एक व्लॉग भी दिखाई देगा, जिसमें कुछ अनसीन सीन हो सकते हैं। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आने वाले एपिसोड्स के लिए, जिसमें फुकरा इंसान और एल्विश यादव साथ में दिखाई देंगे। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। बाय।